आजम खान की बेटी अब्दुल आजम को अदालत से झटका। कोर्ट ने 1993 मानी जन्मतिथि। सपा नेता आजम खान की बेटी अब्दुल आजम को अदालत ने बड़ा झटका लगाया। कोर्ट ने अब्दुल्ला की जन्मतिथि 1990 की जगह 1993 ही मानी है। अब्दुल्ला के इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जिला जज ने सुनवाई की। छजलैंड बवाल की इसमें पहले ही सजा पा चुके सपा नेता आजम खान की बेटी और पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम को बड़ा झटका लगा है। जिला जज अदालत ने गुरुवार को अब्दुल्ला आजम की जन्मतिथि 1993 मानी है। इससे बचाव पक्ष का अब्दुल्ला की जन्मतिथि 1990 का दावा भी खारिज हो गया। अब्दुल आजम की उम्र निर्धारण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सुनवाई कर रहे जिला जज ने सुनवाई कर 37 पेजों का आदेश जारी किया। कोर्ट ने लखनऊ नगर निगम और क्वीन मैरी अस्पताल के जन्मतिथि के साक्ष्य दाखिल किए गए थे। फैसले के बाद अब्दुल्ला की जन्मतिथि की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट भेजी जाएगी। अब्दुल्ला आजम की उम्र निर्धारण के मामले में जिला जज डॉक्टर अजय कुमार की अदालत ने सुनवाई की। अब्दुल्ला की उम्र 1990 होने का दावा जताते हुए जन्म प्रमाण पत्र दाखिल किया गया था। छजलैंड बवाल प्रकरण में मुरादाबाद की एसपी एमपीएमएलए की विशेष कोर्ट से 2 साल की सजा पाए अब्दुल्ला की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर निर्णय के लिए खुद मुरादाबाद जिला जज कोर्ट को उम्र निर्धारण के आदेश देकर रिपोर्ट मांगी थी। इस आदेश पर जिला जज कोर्ट ने सुनवाई की। अब्दुल्ला की जन्मतिथि से संबंधित दस्तावेज जिला जज कोर्ट में प्रस्तुत किया गया। अदालत में बर्थ सर्टिफिकेट के संबंधित रिकॉर्ड तलब कर गवाहों को भी तलब किया गया। उम्र निर्धारण के लिए मात तंजीम फातिमा के अलावा सेंट पॉल स्कूल के प्रचार मनोज कुमार, लखनऊ नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी और क्वीन मैरी अस्पताल की महिला डॉक्टर के कोर्ट में बयान दर्ज हुए। गवाहों ने जन्म के रजिस्टर आदि के कागजात कोर्ट में प्रस्तुत किए, जबकि अभियोजन पक्ष डीजीसी और डीजीसी की ओर से रामपुर में 2 जन्मतिथि प्रमाण पत्र पर कोर्ट के फैसले की पक्की नकल दाखिल की। यही नहीं, जिला जज कोर्ट में अब्दुल्ला की मां तंजीम फातिमा का सर्विस रिकॉर्ड भी दाखिल किया गया। इसमें अब्दुल्ला की जन्मतिथि 1 जनवरी 1993 दर्शाई गई है। अब्दुल्ला ने बचाव पक्ष की ओर से दिल्ली और रामपुर के अधिवक्ता के अलावा स्थानीय अधिवक्ता दिनेश चंद्र पाठक ने लखनऊ निगम द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र समेत दस्तावेज दाखिल कर जिरह अस्पताल के दस्तावेज और डॉक्टरों के बयान बने हैं। आपको बता दें क्या था पूरा मामला। मुरादाबाद में छजलैट में बवाल की घटना 2 जनवरी 2008 को हुई थी। लाल बत्ती लगी काले रंग की पजेरो गाड़ी को छजलैट पुलिस ने रोकने पर बवाल हुआ। इस पर पुलिस ने सपा नेता आजम खान, अब्दुल्ला आजम समेत कई सपा नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने सपा नेताओं के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के कार्य में बाधा समेत तमाम धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। 13 फरवरी 2023 को सपा नेता आजम खान और अब्दुल्ला आजम को 2-2 साल की सजा सुनाई थी।